नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव मोतिहारी न्यूज से अभी एक यज्ञशाला में पहुंचा हूं जो कि फुलवरिया गांव के नज़दीक है। और अब यज्ञशाला के दर्शन मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और आपको परिचित करवाऊंगा इस यज्ञ और इसकी पृष्ठभूमि से। अभी हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यज्ञशाला में सुबह से हवन हो रहा था। हवन के बाद यहाँ पर पूजन सामग्री जो आसपास रखे हुए हैं, ठाकुर जी महाराज की प्रतिमा यहाँ देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम की उपासना करने से मनुष्य को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और इसी का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञ के साथ हजारों हजार की संख्या में लोगों की भीड़, और जहाँ भीड़ जमा होगी वहाँ दुकानें लगेंगी, बच्चों के लिए उत्सव का माहौल होगा। और यही उत्सव का माहौल हमें देखने को मिल रहा है फुलवरिया गांव के इस यज्ञ परिसर में, जहां पर कि जगह जगह अलग अलग तरह की दुकानें यहां पर लगी हुई हैं। शहरों में आमतौर पर इन चीज़ों की उपलब्धता होती है, लेकिन गांवों के लिए आज भी मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अद्भुत उदाहरण देखने को हमें यहां मिल रहा है फुलवरिया के इस यज्ञशाला के आसपास। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हर तरफ चकाचौंध और धूम धड़ाके वाला यह आयोजन सचमुच यहां के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की दुकानों को देखकर ऐसा लगता है कि फास्ट फूड की संस्कृति जो बड़े शहरों में थी, अब हमारे छोटे शहरों में भी, छोटे कस्बे में भी पहुँच चुकी है और लोग बड़े लजीज खाने का आनंद यहाँ ले रहे हैं, फास्ट फूड का आनंद ले रहे हैं। फास्ट फूड के साथ साथ हमारी देसी जलेबी के आनंद से भी लोग वंचित नहीं है। यह हमारा पारंपरिक मिठाई जलेबी भी यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ लोग जलेबी खाते हैं। मेले की पहचान मानी जाती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के रूप में भोजपुरी के महान गायक राधेश्याम रसिया जी आए हुए हैं। हम अपने अगले पार्ट में आपको इनसे और इनके गानों से परिचित कराएंगे।